की मेहनत कि आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। संदर्भ नमस्कार मेरी तरफ से आप सबको, और अनुप जी की ब्लेसिंग से आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग, और विक्की राणा सर की ब्लेसिंग से आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस पिक्चर में गाना कंपोज करने का मौका मिला। विक्की राणा जी से मेरा लाइक आई नो हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मैंने दो तीन फिल्म्स में पहले भी सर ने मुझे लाइक मौका दिया है म्यूजिक करने का, तो आई एम रियली मतलब हैप्पी दैट विक्की जी ने हमेशा एनकरेज्ड मी। और अनूप जी सर इज देयर इन द फिल्म, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट इस पिक्चर में, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सत्य साई बाबा, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड कि मुझे इस पिक्चर में मौका मिला। और आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोड्यूसर मिस्टर बालकृष्ण जी एज वेल। और आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट द सॉन्ग, एक सॉन्ग मैंने इस फिल्म में कंपोज किया है लागिन लगन, और सुखविंदर सिंह जी ने गाया है, तो वो भी बहुत एक खुशी की बात है मेरे लिए। आई विल जस्ट हम टू लाइन्स, और साई की बोल मोरा मन मोहे, साई साई लगिर लगन मोहे, बोल मोरा मन मोहे, साई तेरे प्रेम ने किया है मगन, साई तेरी भक्ति ने किया है मगन मोहे, जग से बेगाना हूँ मैं, हो जग से बेगाना हूँ, साई का दीवाना हूँ मैं, लागिरे लागिरे लागिरे। जनाब सुभाष सहगल साहब, मेरी आवाज सुने तो जनाब सुभाष सहगल साहब भी आ जाएं स्टेज पर। अरुण साहब आइए प्लीज, आ भाई वंस अगेन सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, कॉन्फिडेंट। I'm too small to say anything. विक्की जी हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म है करनी, तो करेंगे जरूर। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप देखिए फिल्म, आपको जरूर मजा आएगा। विक्की जी और बालकृष्ण जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जब इन्होंने कहा कि एक रोल है जो साई बाबा के साथ बहुत एसोसिएटेड रहे थे डॉक्टर, उनका वो बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, तो मैंने किया क्योंकि एक साई बाबा की श्रद्धा तो मन में हमेशा रहती है, और मैं तो हाथ में भी सीढ़ी के साई बाबा की अंगूठी पहने हुए हूँ, तो भक्त होने के नाते अपना गुड लक समझा कि हमें काम करने का मौका मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म बहुत चलेगी, अच्छी चलेगी और आप लोग पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एडवर्टाइजमेंट के बेताज बादशाह अदाकार भी बन, काफ़ी दिनों से शब्बीर भाई, बाल किशन जी, विक्की जी सब आ रहे थे प्रोजेक्ट लेके, कि एक प्रोजेक्ट है। जब मैंने प्रोजेक्ट देखा और अनूप भैया का नाम देखा, और क्योंकि मैं भी गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे गुरु की महिमा मालूम है कि एक गुरु क्या कर सकता है अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, तो मैंने बोला इससे बड़ा चमत्कार या मेरी तरफ से श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती, इसलिए मैं एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया। दो कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, एक्टिंग मेरा पेशा नहीं है, वो शब्बीर भाई और शब्बीर भाई और इन्होंने मुझे लगा दिया है काम पे, मैं लग गया उसे टाइम पे। दो शब्द कहना, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा विक्की अंकल को, प्रोड्यूसर अंकल को, राइटर अंकल को, कि उन्होंने उन्हें लगा कि मैं उनके इस सत्य क्रिया सत्य साई बाबा के किरदार के लिए परफेक्ट हूँ। थैंक यू उनको कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में
काम करने का मौका दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे फॉर सत्य साई बाबा एंड आई होप सो आई प्रे टू गॉड दैट दिस फिल्म बी शुड बी सुपर हिट भाई विनय जी नरेश जी अभी आपका रोल बाकी है चंद्र मकवाना जी मुझे ट्राई आई ये श्रावणी जी है इन्होंने जो है भाभी का रोल किया साइन का है अभी आप सब थोड़ी देर के लिए थिएटर में जाएं उसके बाद जो है वापस हम यहाँ पे मिलते हैं 10-15 मिनट के लिए हमको और दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई कुछ लम्हों बाद इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च होने जा रहा है इस फिल्म का म्यूजिक कैसेट के जरिए जनाब अनूप जलोटा जी के शुभ हाथों से संजू साहब सारे लोगों की दुआओं से आशीर्वाद से जोरदार तालियां शब्बीर शेख साहब कहां पर इस तरफ आइए आप यार आप छुपे छुपे रहते हो आइए इस तरफ सुबेर शेख सफीर भाई जो है सारी धार्मिक फिल्मों में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और भगवान पे हमेशा कृपा बनाए रखे और हमारी सारी फिल्म के लिए ऐसे पब्लिसिटी करते रहे भगवान की कृपा हमेशा सफीर भाई के साथ रहे राधे माँ का भक्त हूँ और मैं मुझे लगाया जोश मेरे संजू गुप्ता ने मेरे बड़े भाई ने और मेरे पूरे साथियों ने जब तक जिंदा हूँ फिल्म में आएगी मुस्लिम धार्मिक में फ्री में करते रहेंगे उधर आइए ना सर